क्या क्रिप्टो मार्केट से रिटायरमेंट के दिन नज़दीक आ रहे हैं? क्या क्रिप्टो मार्केट से हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रिटायरमेंट की बात क्यों कह रहा हूँ? रिटायरमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं, रिटायरमेंट एक एज के बाद मिलता है, ठीक है? एक रिटायरमेंट मिलता है 50-60 के बाद, है ना? अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद जाके आपको रिटायरमेंट मिलेगा, और एक रिटायरमेंट मिलता है यंग एज के अंदर। लेकिन वो जो यंग एज के अंदर रिटायरमेंट कैसे मिलेगा, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या क्रिप्टो से रिटायर हो सकते हैं? क्या बिटकॉइन हमको कोलू का बैल नहीं बनने देगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 9 to 5 ये जो लाइफ है ना, ये जो एक टाइम है, आप जो यंग एज में 9 to 5 का एक कोलू का बैल बन के रह चुके हैं सब, और जब तक आप कोई कदम नहीं उठाओगे इस 9 to 5 से आज़ादी के लिए, है ना, 9 to 5 से आज़ादी के लिए जब तक आप कोई कदम नहीं उठाओगे, आप कोई स्टेप नहीं लोगे, तो भैया आपको आज़ादी नहीं मिल सकती। अगर आप खुश हो 9 to 5 में तो बहुत बढ़िया है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप खुश नहीं है, जॉब नहीं करना चाहते, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जॉब छोड़ दो, नहीं, लेकिन उस जॉब को छोड़ने के लिए, उस जॉब से रिटायरमेंट लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ और आपको रिटायरमेंट मिल जाए। अब कैसे मिलेगा रिटायरमेंट? अगर आप कोई स्टेप ही नहीं उठाओगे तो फिर आपको रिटायरमेंट नहीं मिल सकता। और मैं जॉब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 9 to 5 वाली जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो पूरी लाइफ आपकी ऐसे निकल सकती है अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो। ये सिर्फ एक मोटिवेशन के तौर पे भी आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो भैया कल को अगर जॉब छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि जब टाइम था तब कुछ किया नहीं, और यही टाइम है, यही मौका है। क्रिप्टो मार्केट भी बार बार मौका नहीं देता है। मैं ये नहीं कहता क्रिप्टो मार्केट अकेला फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, नहीं, आपको जहाँ दिखती है फाइनेंशियल फ्रीडम कि मुझे यहाँ से मिल सकती है, वो करिए, ठीक है, चॉइस आपकी है। क्रिप्टो में रिस्क है, हर जगह रिस्क है, कोई बिजनेस करेंगे वो भी रिस्क ही है, तो रिस्क लेना पड़ता है। और क्रिप्टो का रिस्क तो कहीं ना कहीं ऐसा रिस्क है, अगर रिस्क ना मिला, रिवॉर्ड मिल गया तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और ये चीज़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन कोलू का बैल तो नहीं बनने देगा, क्योंकि जिस तरह से बिटकॉइन ने परफॉर्म किया है 12-13 साल के अंदर, ठीक है, अगर हम कुछ साल और वेट कर लें, यही बिटकॉइन आपको $1 million भी देखने को मिल सकता है। अगर जिस तरह से, जिस लेवल पे क्रिप्टो का एडॉप्शन हो रहा है, जिस लेवल पे क्रिप्टो की बात हो रही है, अगर ये फ्यूचर की करेंसी है तो इसको अच्छा पुश मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितनी नेगेटिविटी आ जाए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्रिप्टो मार्केट में इतना कुछ होता है, नेगेटिविटी आती है, लेकिन मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो पड़ता है तो टेम्परेरी पड़ता है, कभी मार्केट बैठ नहीं जाती कि भैया 2 साल हो गए चाइना ने बिटकॉइन माइनिंग बैन की थी, अब तो मैं 2 साल कुछ नहीं करूँगा, लेकिन बिटकॉइन अगले 2-3 महीने में, जब चाइना बैन कर रहा था ना बिटकॉइन की माइनिंग को, 3 महीने बाद बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया था, तो बिटकॉइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियली फ्री होना है, रिटायरमेंट लेना है, तो भैया कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, और स्टेप ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन अगर पैसे से पैसा नहीं बनाया, अगर आपने अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना ही आपको नहीं आया पूरी लाइफ, अगर आपने पूरी लाइफ एक पैसा भी एक ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं किया जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो फिर आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं मिल सकता। देखो, रिस्क सब जगह है, आप स्टॉक मार्केट में जाओ, आप फॉरेक्स में जाओ, आप क्रिप्टो में जाओ, कहीं भी जाओ, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है, और करोगे नहीं तो फिर फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर क्रिप्टो को सीरियसली ले रहे हो, क्रिप्टो को समझ रहे हो, क्रिप्टो को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है, तो भैया उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा अगले बुल रन में। अगला बुल रन बिल्कुल आने को तैयार है, मिस मत कीजिएगा, बस इतना ही कहूँगा, मिस मत कीजिएगा अगले बुल रन को। अगर मिस कर दिया तो 5 साल और वेट कीजिएगा उससे अगले बुल रन के लिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते।
क्रिप्टो है और क्रिप्टो मार्केट बार बार मौका नहीं देती है कि आपको आप आओ आज आज करोड़पति बना दूंगी, आज 6 महीने में करोड़पति बना देगा, ऐसा मार्केट नहीं है। तो एक साइकिल होती है 4 साल की, 4 साल बाद जाके जो एक बुल रन आता है उसके लिए हमको इतना वेट करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको दूसरी साइकिल का वेट करना पड़ेगा जो उससे नेक्स्ट साइकिल आएगी। लेकिन मैंने ऐसा जिक्र क्यों किया कि रिटायरमेंट के दिन नज़दीक आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट, आप आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया बुलरन देखने वाले हो। जिस तरह से पॉजिटिविटी आ रही है, जिस तरह से यूएस के अंदर खेल हो रहे हैं, गेम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, वो कहीं ना कहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेके आएगी बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अभी भी मौका है, रिटायरमेंट के दिन ज़रूर नज़दीक है, लेकिन उसके लिए भी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए भी एक यंग एज में फाइनेंशियली फ्री होना, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री हो गए तो रिटायरमेंट अपने आप मिल जाएगा। आप उस जॉब को तभी बाय बाय कह सकते हो जब आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाए, और फाइनेंशियली फ्रीडम आपको जल्दी से जल्दी यहीं से मिल सकती है ना, और कहीं से नहीं मिल सकती। अब चॉइस आपके, डिसीजन आपका है। अगर आपको जॉब पसंद है जॉब कीजिए, नो डाउट, लेकिन अगर फ्यूचर बेटर करना है, अपना फ्यूचर डेवलप करना है, अगर इस 9 to 5 से आज़ादी चाहिए, ठीक है, तो भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, गलत वे में मत लीजिएगा इसको, मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा। कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप जॉब बेकार है, जॉब नहीं करनी चाहिए, नहीं। लेकिन जॉब के साथ साथ अगर आप अपने फ्यूचर का प्लान नहीं कर रहे हो तो फिर वो थोड़ा यहाँ पे गलत सीनेरियो है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।